व्हाट इज अ जिन और दुनिया में जिन कब से आए? जब जिन्नों का नाम आता है ना तो लोग दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि कई बार हमने ये सुना है कि उनको खुशबू बहुत पसंद होती है, वो किसी को दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, हमारे बीच रहते हैं पर दिखते नहीं हैं। अगर मैं आपसे बताऊं कि जिन्न क्या होते हैं, जिन्नात क्या होते हैं, तो ये ऊपर वाले अल्लाह पाक के बना हुआ है कुछ ऐसे मखलूक हैं जो आग से बनाई गई हैं। ऐसा कुरान पाक में ऐसा कहा गया है, कुछ मुस्लिम ऐसा मानते भी हैं कि जिन्नों को आग से और इंसानों को मिट्टी से बनाया गया है। ओके। और इनका अस्तित्व आज से नहीं है, आज से करीब 60,000 साल पहले से भी है इनका अस्तित्व। 60 यस एग्जैक्टली। और ऐसा कहा गया था शुरुआती दौर में जिन बहुत अच्छे हुआ करते थे, बट उसके बाद मुझे भी पूरी बात नहीं पता है, बट उसके बाद इन्हें सजदा करने को कहा गया उस ऊपर वाले के सामने और इन्होंने मना कर दिया। Okay. तो ऊपर वाले ने, अल्लाह पाक ने इन्हें बेदखल कर दिया इस आम दुनिया से और इनके लिए एक अलग दुनिया बनाई गई जिसे जिन्नों की दुनिया भी कहते हैं। ये एक अलग डायमेंशन की बात हो रही है? नहीं, ये एक अलग दुनिया है। हाँ, डायमेंशन के समानांतर है, पर जिन हमारे बीच ही रहते हैं राहुल, आपको okay. पता भी नहीं चलेगा वो आपके पास से कब गुजर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है और ये सच्चाई है, मैंने भी महसूस करी है। तो आप कहना चाहते हैं जिन हमारे आसपास ही रहते हैं, तो ये हकीकत है कि यार जब लोग कहते हैं कि जिन आपकी ख्वाहिशें भी पूरी करता है? कैसी होती है जिन की दुनिया? क्या जिन सच में आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी कर सकता है? Listen to the Indian Paranormal Podcast only on the 8 app. 8